हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट, वेलकम आप सभी का बिहार बोर्ड एजुकेशन पर। मैं हूं हमाद और आज आप सभी के लिए लेके आ चुका हूं क्लास 12 ज्योग्राफी के कंप्लीट सिलेबस का एक वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को मैं बताऊंगा कि क्लास 12 ज्योग्राफी जो 2024 में एग्जाम देने वाले हैं उसका पैटर्न कैसा रहेगा और कौन कौन से क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, कौन से चैप्टर आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होगा, कैसा एग्जाम का पैटर्न होगा, कौन से बुक आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में देने वाला हूं। तो आप लोग को ध्यान से अंत तक देखना है जो भी 2024 में एग्जाम देने वाले हैं। तो इस चैनल पे जो भी न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे ताकि फ्यूचर में लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। यहाँ पे हम लोग कंप्लीट तैयारी करेंगे क्लास 12 के लिए, ठीक है। तो ये जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग के लिए, तो आप लोग सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे, ठीक है। देखिए इस क्लास में स्टार्ट करने से बता दें, आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आप लोग जो सिलेबस को देख लीजिए। सिलेबस के बिना एग्जाम की तैयारी तो नहीं हो पाएगी, लेकिन आप लोग अच्छा मार्क्स भी नहीं ला सकते हैं। अगर आप लोग अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं या फिर टॉपर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोग को सिलेबस जानना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। एंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जो है सारे सब्जेक्ट के जो भी सिलेबस वाले वीडियो बनाए हैं उसका लिंक मैं दे दूंगा प्लेलिस्ट का, तो आप लोग चेकआउट कर लेंगे जो भी आपके सब्जेक्ट हैं। पहले आप लोग सिलेबस को देख लीजिए, फिर आप लोग पढ़ाई को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे हम लोग सिलेबस में हम लोग स्टार्ट जो करेंगे यहाँ पे न्यू पैटर्न के आधार पर रहेगा, जो कि हमारा BSEB और NCERT दोनों को फॉलो करने वाले हैं। स्पेशल बताया आप लोग को बिहार बोर्ड के लिए बता रहा है, तो आप लोग बिहार बोर्ड वाले ध्यान से देखिएगा। 12 ज्योग्राफी 2023-24 का सिलेबस है, ठीक है। पूरी जानकारी हम लोग जानेंगे बिल्कुल हिंदी में। देखो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि हमारा ज्योग्राफी का जो बुक है वो कितने पार्टों में डिवाइडेड है। ये आपका दो पार्ट में मिलेगा NCERT के अकॉर्डिंग, और आप लोग SBPT बुक रहते हैं आप लोग वहाँ पे बताते हैं बुक के बारे में, तो बुक आप लोग दो से ले सकते हैं SBPT या NCERT, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में बाद में बात करेंगे। फिलहाल NCERT के अकॉर्डिंग जो हमारे जो खंड है दो है, एक का नाम है भाग एक में मिलेगा आपको मानव भूगोल, ठीक है, और दूसरा जो हमारा है भारत लोक एवं अर्थव्यवस्था, ठीक है। इन दो बुक को आप लोग को पढ़ना है, और दोनों बुक में चैप्टर की बात करें जैसे देख पा रहे हो इसमें आपको 10 चैप्टर मिलेंगे और इसमें आपको 12 चैप्टर मिलेंगे, ठीक है। इन दोनों में क्वेश्चन की बात करें तो आप लोग को लगभग 40 से 45 क्वेश्चन जो इस चैप्टर से रहेंगे और 50 से 55 क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन से रहते हैं, और ये कोई गारंटी नहीं है, ये फ्लेक्चुअल होते रहता है। मैं आपको देख दूँ प्रत्येक खंड से आपको याद रखना है 45 से 55 मार्क्स जो क्वेश्चन रहेंगे, चाहे ज्योग्राफी का बुक 1 हो इसमें हो सकता है आपको 55 से, ठीक है, 55 से आपका 55 भी नहीं, सॉरी 45 से 55, ठीक है, 45 से 55 एक एक खंड में आपका रहेगा। और बात करें यहाँ पे तो आपको 100 मार्क्स का क्वेश्चन जो है बन जाता है यहाँ पे, लेकिन आपका जो बोर्ड में जो एग्ज़ाम होगा ना बोर्ड का एग्ज़ाम आप लोग का जो है 100 मार्क्स का नहीं होता ज्योग्राफी का, क्योंकि ज्योग्राफी एक प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है, तो इसमें जो आपको बोर्ड में मिलेगा 70 मार्क्स, ठीक है, 70 मार्क्स, जो 30 मार्क्स रहेगा वो आपका प्रैक्टिकल में पहुँच जाएगा। यहाँ से 30 मार्क्स किसमें पहुँच जाएगा, वो प्रैक्टिकल में पहुँच जाएगा। तो फिर बोर्ड एग्जाम की बात करें तो उसमें कितना रहेगा, तो आपको 70 रहेगा, ठीक है, 70 मार्क्स का आप लोग को ज्योग्राफी का पेपर रहेगा, जिसमें आप लोग जान लेते हैं इसमें अध्याय की बात करें तो कितना बोले 22 अध्याय है NCERT के अकॉर्डिंग। और बात करते हैं यहाँ पे एग्जाम पैटर्न के बारे में, बिहार बोर्ड में पता है सभी को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रकार के प्रश्न रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे ज्योग्राफी में जो 100% ऑब्जेक्टिव और 100% सब्जेक्टिव रहेगा, कहने का अर्थ ये कि डबल क्वेश्चन रहेंगे, यानी आपको जो है दुगुना प्रश्न रहेगा और उसका जो है आपको बनाना है आधा, ठीक है। तो मतलब 100% ऑब्जेक्टिव यानी आपका 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा, बनाना कितना है 50%, कितना बनाना है 50, यानी 35 ऑब्जेक्टिव का ही आंसर देना है। उसी तरह सब्जेक्टिव में आपके दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक होते हैं 2 मार्क्स वाले और एक होते हैं एक्स्ट्रा लॉन्ग जो कि 5 मार्क्स वाले होते हैं, ठीक है। 2 मार्क्स वाले की संख्या की बात करें तो ये आपका 10 होगा, ठीक है। अब बात करें मार्क्स की तो क्या हो जाएगा, 10 × 2 हो जाएगा बराबर आपका 20, ठीक है। अच्छा यहाँ पे 5 मार्क्स की बात करें तो यहाँ पे आपका होगा 5 बनाना पड़ेगा, 3 बनाना पड़ेगा आपको, 3 × 5 यानी बराबर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे 15 और 20 कितना हो गया 35, तो 35 मार्क्स आपका यहाँ पे सब्जेक्टिव में मिल गया, 35 मार्क्स किसमें मिल गया ऑब्जेक्टिव में मिल गया। तो इस तरह आपका जो है 70 मार्क्स जो कंप्लीट होता है ज्योग्राफी का, जो कि आपको बोर्ड में एग्जाम देना है, ठीक है, और 30 मार्क्स को प्रैक्टिकल में मिलने वाला। चलिए वहीं पर बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप में, जो कि हमारा चैप्टर के बारे में बात करते हैं कि ज्योग्राफी में आखिर हम लोग को कौन कौन से चैप्टर देखने को मिलेंगे बुक 1 में, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चैप्टर दिए गए हैं, देख पा रहे हम लोग कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, मानव भूगोल एवं प्रकृति विशेष, ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आप लोग को अच्छी तरह से पढ़ना है, ठीक है, इसको जो है VVI मान के चलेंगे, ठीक है। एंड जो नेक्स्ट हमारा विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि, ये भी जो आपका VVI ही चैप्टर है, ठीक है। बाकी ये जनसंख्या संगठन मानव विकास, ये भी इंपॉर्टेंट ही चैप्टर है, ठीक है। तृतीय चतुर्थ क्रियाकलाप, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है ना,
ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ये भी आपका इंपॉर्टेंट होगा। परिवहन संचार ये भी लगभग इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इसमें मार्क्स की बात करें तो प्रत्येक चैप्टर में आप लोग को लगभग 3 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं, कई कई 5 मार्क्स के रहते हैं। जैसे इसमें आपको लगभग 4 से 5 मार्क्स प्लस क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। आपका जो इसमें भी रहेगा लगभग जिसमें हमने वीवीआई लगाया था, इसमें लगभग 4 से 5 मार्क्स क्वेश्चन रहेंगे, बाकी 3 से 4 मार्क्स जो प्रत्येक चैप्टर से आप लोग को क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। आगे यहाँ पे हम लोग जो पढ़े थे ये भाग 1 था हमारा, बुक नंबर 1, और जो नेक्स्ट जो हमारा है बुक 2 है। अच्छा, बुक 2 में जो हम लोग को चैप्टर मिलेगा टोटल 12 चैप्टर मिलेगा। कितना चैप्टर मिलेगा टोटल आपको मिलेगा 12 चैप्टर। यहाँ पे है जनसंख्या संगठन एवं वृद्धि संगठन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। प्रवास कारण ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये भी आपको 4 से 5 मार्क्स के देखने को मिलेंगे। मानव विकास ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है लगभग, मानव बस्तियाँ भू संधन जल संसाधन ये तो इतना, निर्माण उद्योग खनिज एवं ऊर्जा संसाधन ये भी लगभग इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। एंड परिवहन संचार ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, देखो कुछ कुछ चैप्टर जो हम लोग का सिमिलर है उससे, ठीक है। तो ये सारे चैप्टर को आप लोग समझ गए, तो ये सारे चैप्टर जो है आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से पढ़ना है। फिलहाल हम तो यहाँ पर सारे चैप्टर को आप लोग पढ़ाने वाले हैं, तो उसकी चिंता आप लोग को बिल्कुल भी नहीं करना है, एकदम अच्छे से बताएंगे। अब आते करते हम लोग बुक्स और नोट्स की बात। तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि बुक की बात करें तो हमारे पास 2 बुक आते हैं। एक आते हैं एनसीईआरटी का बुक, कौन सा बुक आता है, एनसीईआरटी का बुक आता है, ठीक है। और एक आता है हमारा एसबीपीडी का बुक, ठीक है, एसबीपीडी। अब दोनों एनसीईआरटी एसबीपीडी में दोनों में अंतर क्या है, एनसीईआरटी में आप लोग को शॉर्ट और थोड़ा टफ लैंग्वेज होता है, ठीक है, और जो एसबीपीडी में होता है वो थोड़ा लॉन्ग में रहता है और डिटेल्स के साथ दिया जाता है। अब लोग अगर किसी कंपटीशन या फिर अच्छे नॉलेज के लिए चाहते हैं तो एसबीपीडी बुक को ले सकते हैं। फिलहाल एग्जाम की तैयारी के लिए एनसीईआरटी बेस्ट माना जाता है, चाहे आप लोग किसी भी बोर्ड लेवल के एग्जाम दे रहे हैं तो आपको जो है एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी आप लोग को लेना है उसके क्वेश्चन वगैरह देखने के लिए, किस तरह क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में बन सकते हैं उस चीज़ के लिए एसबीपीडी बुक ले सकते हैं आप लोग नॉलेज बढ़ाने के लिए, अच्छे से समझने के लिए, ठीक है। और जो भी हम यहाँ पे बात करते हैं स्टडी मटेरियल्स और न्यू बैच 2023-24 के लिए, अगर हमारे साथ यहाँ तक आप लोग आ गए हैं तो बता दें कि ये बुक्स वगैरह जितना भी आप लोग के दिमाग में टेंशन वगैरह है ये सारी चीज़ मैं आप लोग को दूर कराने के लिए लंच किया हूँ न्यू बैच 2023-24 के लिए। अगर आप लोग इस बैच से जुड़ जाते हैं तो आपकी पूरी 1 साल जो है कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी, बिल्कुल समझिए कि ना के बराबर फी में जो आप लोग ऑफलाइन में खर्च कर देते हैं, बुक में खर्च कर देते हैं, उससे आपको 10% भी फी यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। बिल्कुल बुक वगैरह सब कुछ आपको आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, ठीक है। पूरा स्टडी मटेरियल्स, नोट्स, ऑनलाइन टेस्ट, पीडीएफ, हर एक चीज आप लोग को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला, ठीक है। तो चलिए जानते हैं, सबसे पहले आप लोग को यहां बताते हैं कि इंफॉर्मेशन के लिए आप लोग ये नंबर पर कॉल कर सकते हैं, क्या क्या मिलेगा, कैसे पढ़ाई किया जाएगा वो देख लेते हैं। देखो 12 ज्योग्राफी न्यू बैच के लिए अगर आप लोग क्लास में ज्वाइन होते हैं हम लोग से, तो देखो सबसे पहला जो चीज आप लोग को मिलेगा लाइव क्लासेस की सुविधा मिलेगी, जो कि आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है ये लाइव क्लास, जो कि आप लोग आमने सामने जो है इंटरेक्ट होकर के किसी भी तरह के सवाल पूछ सकते हैं और डायरेक्ट जो है बिल्कुल कमेंट के द्वारा आप लोग जो भी शर्माते हैं ऑफलाइन में पूछ नहीं पाते सवाल, या कमेंट के द्वारा आप लोग जो है डायरेक्ट पूछ सकते हैं, ठीक है। ये सुविधा आप लोग को दी जा रही है, डेली लाइव क्लास होती है, लाइव क्लास के द्वारा जो है एक टॉपिक को जो है अच्छे तरह से लाइव में समझाया जाता है, ठीक है, जहां आप लाइव जो अपने सवाल जो है पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे की बात करें हम लोग, जो हमारा जो है वो है रिकॉर्डेड लेक्चर वाला काफी इंपॉर्टेंट फीचर है। जैसे आप लोग क्लास में हम से ज्वाइन हो जाते हैं, अगर आप लोग कहीं पे जाते हैं किसी तरह से लाइव क्लास को छोड़ देते हैं, तो उसके लिए जो है रिकॉर्डेड लेक्चर जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। आप लोग का रिकॉर्डेड लेक्चर की मदद से आप लोग जो छोटे में लाइव क्लास को जो पूरा कर सकते हैं और आप लोग पढ़ाई को जो है कंटिन्यू रख सकते हैं, ठीक है। आगे की बात करें जो हमारा रहेगा ऑनलाइन टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट में आपको क्या होगा, जैसे चैप्टर पढ़ाएगा उन चैप्टर का समाप्त होने का तो उसका चैप्टर वाइज ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसी साथ में मंथली टेस्ट भी कंडक्ट कराई जाएगी, यानी एक मंथ में जितने भी चीज़ पढ़ाया गया उसका सब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव पूरी तरह से आप लोग को जो पूरा कराया जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ बात करें हम लोग यहाँ पे बुक्स और स्टडी मटेरियल्स की बात करें, तो आप लोग को मार्केट से जो किसी भी प्रकार के बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे बैच से ज्वाइन होते हैं यहाँ पे आप लोगों को बुक हो, पीडीएफ हो, नोट्स हो, हर एक चीज़ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग को मिलने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं एक फ्यूचर के बारे में, जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट फ्यूचर है अब तक का। अगर आप यहाँ पे आ गए हैं तो बता दें कि हम लोग जो है मार्क्स और नॉलेज दोनों पर्पस के लिए पढ़ाते हैं। हमने जो आगे पहले बताया था वो नॉलेज के लिए बेस्ट था। अगर आप लोग चाहते हैं अच्छे मार्क्स लाने के लिए, तो हमने जो है बिहार बोर्ड एजुकेशन के द्वारा 5 सेट ऐसे मॉडल पर दिया था जो कि बिल्कुल हैक किए प्रश्न रहते हैं और सीधे सीधे यही प्रश्न आप लोग को एग्जाम में फाइनल में पूछ दिया जाते हैं। तो यहाँ से 80% प्रश्न आप लोग को सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कितने परसेंट, लगभग आपको जो है यहाँ से जो है 80% क्वेश्चन जो है सीधे कहाँ मिलेंगे, एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और ये 100% गारंटी से कहते हैं एग्जाम में बनाना कितने हैं, मात्र आपको 50% क्वेश्चन आना बिहार बोर्ड में, आपको रहते हैं 100% क्वेश्चन
बनाना कितने 50%, जिसमें 80% क्वेश्चन आप लोग को इसी मॉडल पेपर से मैच करेगा। तो बिल्कुल आप लोग अगर अच्छी तरह से पढ़े तो बिहार टॉपर करने से लोग कोई भी रोक नहीं सकता है, ठीक है। बशर्ते ये कि आप लोग को जो अच्छे से जो चीज़ दिया है उसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाला चीज़। आगे जो हम लोग का रहता है वो रहता है कोर्स कंप्लीट होने के बाद पिछले 10 साल के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उसको सॉल्यूशन कराया जाएगा, यानी जो भी आपने कोर्स लिया उसका सॉल्यूशन मतलब कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास बचा क्या, लास्ट जो है 10 साल के प्रश्न जो है उसको देखना, क्योंकि हम लोग ये नहीं देखेंगे पता कैसे लगा क्या हम लोग की एग्जाम की तैयारी कैसी हुई, क्या मैं 2020 में या फिर 22 में 21 में एग्जाम दे तो मेरा रिजल्ट कैसा रहता। तो इससे जो आप लोग पिछले 10 साल के यहाँ पे क्वेश्चन पेपर को सॉल्यूशन कराया जाएगा, जहाँ अपनी तैयारी को आप लोग जाँच कर सकते हैं, ठीक है। और फिर क्या होगा कि अंत में पूरा रिविजन करा दिया जाएगा और फिर आपके जो है इस कोर्स कंप्लीट होने का एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं इसको कुछ फी और इंस्ट्रक्शन कैसे ज्वाइन होना नहीं है उसके बारे में। तो सबसे पहले आप लोग को जाना है प्ले स्टोर में, सफल स्टडी ऐप में आप लोग को वो कोर्स मिलेगा। प्ले स्टोर में जाकर के सर्च करना है सफल स्टडी बिहार बोर्ड या फिर सफल स्टडी लिखेंगे तो आ जाएगा, और आप लोग को डाउनलोड सिंपली करना है और इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है और इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, लॉगिन करना है आप लोग को अपने नंबर मोबाइल नंबर नाम ईमेल, ठीक है, एक पासवर्ड लगा के आप लोग को पहले रजिस्टर करना है, ठीक है। सबसे पहले रजिस्टर करना है, उसके बाद आपके सामने कोर्स ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पे आप लोग कुछ सभी सब्जेक्ट के डेडिकेटेड कोर्स भी है और हमारे जो है स्पेशल जो है दो बैच हैं, एक का नाम है बता देना आप लोग को सफल स्टडी, एक सफलता बैच नाम है, एक का नाम क्या है सफलता, सफलता बैच एक प्रो है, एक का नाम है लाइट, ठीक है। सफलता बैच लाइट, ठीक है, एक लाइट है एक प्रो है। देखो लाइट और प्रो में दोनों में अंतर क्या है, ये जो हमारा प्रो है इसमें टोटल जो आर्ट्स के 10 सब्जेक्ट के कंप्लीट तैयारी करा जाएगी, और ये लाइट जो इसमें टोटल 5 सब्जेक्ट की कंप्लीट तैयारी करा जाएगी। 5 में आपका आएगा हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस ये 3 और हिंदी इंग्लिश, ये 5 सब्जेक्ट आएगा जो कि मेन जो रहते हैं इसमें लाइट में मिलेगा। और ये जो प्रो होगा इसमें हिंदी इंग्लिश उर्दू हो गया आपका सोशियोलॉजी हो गया साइकोलॉजी हो गया इकोनॉमिक्स हो गया, लगभग जो 10 सब्जेक्ट की तैयारी आप लोग को इसमें मिलेगी, ठीक है। अब दोनों की प्राइस की बात करें तो प्राइस में कुछ डिफरेंट है, जैसे इसको अगर आप लोग लेते हैं एक साल के वैलिडिटी के साथ तो इसकी प्राइस जो एक्चुअल प्राइस जो है 2999, ठीक है, कितनी प्राइस है एक साल के लिए 3999, लेकिन इसकी प्राइस जो है अभी ऑफर में मिल रहा है, तो पहले आप लोग को जो है अगर ऑफर के बाद लेते हैं तो इसकी प्राइस होने वाली है 2499, ठीक है। लेकिन अभी ऑफर जो चल रहा है इसमें अगर आप लोग लेते हैं तो ये मात्र 1999 एक साल के लिए मिल रहा है। तो 1 अप्रैल से पहले आप लोग अगर इस बैच में ज्वाइन हो जाते हैं तो 1999 में जो कंप्लीट तैयारी होने वाले सारे 10 सब्जेक्ट की, ठीक है, और वो भी पूरे स्टडी मटेरियल नोट्स वगैरह हर एक चीज़ के साथ, लाइव क्लास के साथ, रिकॉर्डेड लेक्चर के साथ, बिल्कुल इतनी जो है सस्ते में आप लोग को कोई आर्ट्स की बैच जो है कंप्लीट नहीं करवा सकता, मैं आपको 100% गारंटी चैलेंज के साथ कहता हूँ, ठीक है। अच्छा लाइट वाले में जो आप लोग क्या मिलेगा, इसकी प्राइस जो है एक्चुअल प्राइस है 2999, ठीक है, इसका जो प्राइस जो होने वाला है 1999 अगर आप ऑफर के बाद लेते हैं तो, लेकिन अभी ऑफर में चल रहा है तो इसकी प्राइस जो है अभी मात्र 1499 है, ठीक है, कितना है 1499 में 5 सब्जेक्ट के पूरे साल की तैयारी। आप लोग सोच सकते हैं कि कितने कम प्राइस में इतने सारे फ्यूचर के साथ आप लोग को दिया जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग अगर ज्वाइन करेंगे 1 अप्रैल से पहले, 31 के बाद अगर करेंगे 31 मार्च के बाद, तो फिर आप लोग को जो है ये ऑफर खत्म हो जाएगा 1499 वाला और 1999 वाला, ये दोनों जो ऑफर प्राइस है, बाकी उसके बाद ये मिलने वाला है दोनों का प्राइस, ठीक है, ये 1999 मिलेगा और ये आपका 2499 वाला, ये दोनों जो है खत्म हो जाएगा, ठीक है, 31 मार्च के बाद यानी 1 अप्रैल से जो है खत्म हो जाएगा, तो याद रखिएगा। और बाकी डेडिकेटेड जो कोर्स है जैसे हिंदी हो गया इंग्लिश हो गया तो इन सब का जो प्राइस है 999 है, 1499 होने वाला है, लेकिन अभी ऑफर प्राइस जो इसका 499 है एक साल के लिए, ठीक है। अच्छा इसमें सबसे बड़ी फ्यूचर बताएं क्या है, सबसे बड़ी फ्यूचर ये है कि आप लोग एक मंथ के लिए भी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, किसी को लगता है कि हम लोग एक साल करेंगे क्या पता पैसे बर्बाद हो जाए कुछ हो जाए नहीं जाए, तो आपको एक महीने की भी फ्यूचर दी गई, यानी एक महीने के लिए आप लोग मंथली फी भी दे करके जो है कुछ ऐसे 99 रुपये एक महीने का ऐसे ऐसे दे करके आप लोग जो है इसको ज्वाइन करके देख सकते हैं डेमो के लिए और क्लास कर सकते हैं एक महीना कैसा लग रहा है नहीं लग रहा है, फिर आप लोग भी जो इस क्लास को जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी फ्यूचर है जो कि आपको तक कोई नहीं दे रहा होगा आपको, ठीक है, तो ये फ्यूचर आप लोग के लिए दिया होगा, तो आप लोग जाइए और डाउनलोड कीजिए और बैच में जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, हम लोग जो है क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं तो जल्दी जल्दी सबको ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए यहीं तक हम लोग इस क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में अगले क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।